हेलो, गुड म�morning दोस्तों। 14 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो देखो, आज जो पहला आर्टिकल आया है वो आया है सिनो इंडियन डिजिटल कोलैबोरेशन प्लाजा के बारे में। क्या है ये, हम देखते हैं। देखो, हम आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में बताऊंगी इसके बारे में। तो इंडिया का एक ग्रुप है जिसको की कंपनीज का ग्रुप बनाया हुआ, जिसका नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसको हम नेस्कॉम के नाम से जानते हैं वो। और इसी के साथ ही चाइना का भी एक ग्रुप है, जिसके हम चाइना का भी एक म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, सॉरी, जिसका नाम है म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ गुआंग एंड दालियन। तो इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन किया है। क्या इस कोलैबोरेशन में, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें कोलैबोरेशन ये किया गया कि देखो, इंडिया का आपको पता है कि आईटी सेक्टर या इंडिया की आईटी कंपनी काफी स्ट्रांग है, मतलब इंडिया आईटी सेक्टर में ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी महारत हासिल किए हुए हैं। और चाइना की जो इंटरप्राइजेज हैं या चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो काफी आगे हैं। तो ये प्लान किया गया है इसमें, इस कोलैबोरेशन में, कि इंडिया के आईटी सेक्टर की कंपनी और चाइना की जो इंटरप्राइजेज हैं वो आपस में क्लोज आएंगी और एक सिंगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी, ताकि दोनों एक दिशा में अच्छा काम कर सकें। मतलब इंडिया का आईटी सेक्टर मिल जाएगा और चाइना का इंटरप्राइजेस मिल जाएंगे, तो दोनों मिलकर वर्ल्ड में काफी अच्छा बूम है वो ला सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरियाज में ये इसका कोलैबोरेशन है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इंडिया और चाइना के बीच में ये कोलैबोरेशन की बात हो यहाँ पे की गई है। अब इसमें होगा क्या, ये प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे इंडिया की कंपनीज और चाइना की जो कंपनीज हैं उनका एक जॉइंट वेंचर है वो स्थापित करने वाला, मतलब इंडिया और चाइना वो दोनों आपस में मिलकर अपनी कंपनी स्थापित करेंगे, जो कि एक तरीके से डिजिटल रिवॉल्यूशन है वो लेके आएगा। डिजिटल कोलैबोरेशन काफी अच्छा सक्सेसफुल रह सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेस्कॉम के बारे में क्या है। देखो, नेस्कॉम है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री एसोसिएशन है। देखो, जिस तरीके से आपको पता है ना कि जो भी वर्कर होते हैं वो एक अपना एसोसिएशन बना के रखते हैं, उसी तरीके से जो कंपनीज है ना उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बना रखा है, इंडस्ट्रीज है सॉरी, उन इंडस्ट्रीज का एक एसोसिएशन है, ग्रुप है, जिसको हम नेस्कॉम के नाम से जानते हैं। तो ये एक अपेक्स बॉडी है जो कि इंडियन जो आईटी सेक्टर है और जो बीपीओ बिजनेस प्रमोशन जो सेक्टर होते हैं इन इस इंडस्ट्री के मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट है वो करते हैं। इसके साथ ही जो नेस्कॉम की मेंबरशिप है वो किसी भी कंपनी को मिल सकती है, बशर्ते ही है कि वो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होनी चाहिए इंडिया में। मतलब जो कंपनी इंडिया में कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर है वो इसकी मेंबर है, वो बन सकती है, और कोई इसके लिए क्राइटेरिया वगैरह नहीं होता है। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि जो कंपनी की क्वालिटी है, जो कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको मेंटेन करना, सर्विस की क्वालिटी को बनाए हुए रखना, ये इसका बेसिकली काम है। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल आया हुआ है पार्टनरशिप सबमिट के बारे में। देखो, 25th जो एडिशन है पार्टनरशिप सबमिट का वो अभी मुंबई में आयोजित है, वो किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया वो हम देखते हैं। ये पार्टनरशिप फॉर्म है वो आयोजित किया गया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर का एक डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो मतलब DIPP जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अभी पार्टनरशिप सबमिट आयोजित किया गया है। तो UPSC ऐसे पूछ सकती है कि पार्टनरशिप सबमिट है वो किस रिलेटेड वगैरह है, तो हमें ऑप्शन दे सकते हैं कि मिलिट्री एक्साइज वगैरह, इस तरीके से बहुत सारे, तो हमें पता होना चाहिए कि यह इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इसका काम क्या है वो हम देखते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये तो इतना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो मिनिस्ट्री मोटी मोटी हमें पता होना चाहिए। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये आपस में डिबेट है, वो कोलैबोरेशन है, एक तरीके से डेलीब्रेशन है, ये सारे काम किए जाएंगे। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनको बूस्ट करने के लिए इंडिया में जो डिफरेंट लीडर हैं या ग्लोबल लेवल पर जो लीडर्स हैं वो आपस में पॉलिसीज को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही किस तरीके से इंडिया में ग्रोथ करनी है ये सारी चीज़ों को डिस्कस है वो किया जाएगा। मतलब हम एक अदर लैंग्वेज में बात करें तो इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इंडिया की इकोनॉमी है उसको आगे लाने के लिए किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उसमें क्या क्या बाधाएँ आ रही हैं, किस किस तरीके के चैलेंजेस हैं, कैसे हमें उनसे निपटना है, कौन कौन से रास्ते हमें लेके आने, उन सब पे इस पार्टनरशिप सबमिट में डिस्कशन है वो की जाती है। तो एक तरीके से यह एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी इंडिया में क्रिएट करता है, क्योंकि देखो अगर ये सबमिट हो रहा है तो इसका मतलब इसमें काफी सारी प्रॉब्लम को भी फोकस किया जाता है, उनके सोल्यूशन को भी फोकस किया जाता है। तो इससे इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बेनिफिट मिलेगा, कि इंडिया को पता चलेगा कि भाई हमारे यहाँ पे ये खामी है, हमें इन खामियों को दूर करना है, तभी हमें एक अच्छा रिजल्ट है वो मिल सकता है। तो इसके साथ इसमें बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स वगैरह वो भी आयोजित है वो की जाएंगी और हाई लेवल की एक्सचेंज वगैरह भी होंगी। तो पार्टनरशिप सबमिट के बारे में ध्यान रखना कि ये रिलेटेड किससे हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के बारे में। देखो, ये एक नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एक हम बात करें कि एक एसोसिएशन है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नॉन गवर्नमेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो एक तरीके से इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए प्रोएक्टिव रोल निभाता है इंडिया की डेवलपमेंट प्रोसेस में।
अब देखो हम और भी देखें कि इसके बारे में फैक्ट वगैरह, यह एक तरीके से मैं आपको बताऊं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इसे 1895 में बनाया गया था और यह इंडिया का प्रीमियर बिजनेस एसोसिएशन है। मतलब इंडिया के जो बिजनेस हैं, ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपना एसोसिएशन एक ग्रुप बना रखा है। जिस तरीके से देखो आपने फिक्की का नाम भी सुना होगा और हमने अभी एसएचओ के बारे में डिस्कस किया था, नेस्कॉम के बारे में डिस्कस किया था, तो ये क्या अपने अपने ग्रुप्स उन्होंने बना रखे हैं। तो उसी तरीके का यह ग्रुप है, इसमें लगभग इसके लगभग हम बात करें तो 9000 यहाँ पे मेंबर्स हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी शामिल हैं, एमएसएम हम बात करें यहाँ पे एसएमई सेक्टर वो भी इंक्लूड है, इसके बाद एनएमसीज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सब इसमें शामिल की गई हैं। मतलब गवर्नमेंट की कंपनीज भी इस इंडस्ट्री ग्रुप में शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें शामिल है। तो ये हमें ध्यान में रखना, यह इंडिया का प्रीमियर बिजनेस एसोसिएशन है जो कि कब बना हुआ है, 1895, मतलब आजादी से पहले इसको बनाया गया था। इसका काम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सीआईआई का काम ये है कि देखो इंडिया में एक तो एडवाइस देना, इसके साथ ही परामर्श वगैरह हो, और भारत के अंदर जैसे भी कोई भी पार्टनरशिप में किसी को काम करना हो, इंडस्ट्री वगैरह लगानी हो, और सरकार और जो गवर्नमेंट सरकार और जो सिविल पर्सन्स हो गए और सोसाइटी होगी, उनके बीच में जो भी डेवलपमेंट के लिए के जो भी अनुकूल माहौल है, इको फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया जा सके, ताकि अच्छे तरीके से डेवलपमेंट भी हो सके और आगे हम बात करेंगे सरकार को प्रॉफिट भी हो सके, इन सब कामों के लिए काम है वो तैयार है, वो माहौल है वो तैयार करते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो छोटे छोटे तीन आर्टिकल हैं। एक तो है रेणुका डैम प्रोजेक्ट के बारे में, रेणुका जी डैम है, या देखो रेणुका डैम या आपको रेणुका जी डैम, दोनों नाम यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे वेटनर्स डे के बारे में, और एक है यहाँ पे फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग टू बी हेल्ड इन उज्बेकिस्तान। तो देखो लास्ट वाला देखते हैं पहले कैम्प, ये बस आपको फैक्ट ही ध्यान में रखना है कि सेंट्रल एशिया डायलॉग है पहला, वो कहाँ पे आयोजित किया गया, तो यह उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि उज्बेकिस्तान की जो पड़ोसी कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि देखो उज्बेकिस्तान है वो सेंट्रल एशिया की कंट्री है, और सेंट्रल एशिया आपको पता है काफी काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल मैपिंग के आधार पे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उज्बेकिस्तान की पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अब ये जो सेंट्रल एशिया डायलॉग है ये आयोजित किसके द्वारा किया गया है, ये आयोजित किया गया है इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, और हम यहाँ पे करें उज्बेकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन दोनों के बीच में, ये इसके द्वारा को चेयरपर्सन थे या इसकी को चेयर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि पहला जो सेंट्रल इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है वो कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये ध्यान रखना है उज्बेकिस्तान में, ये फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट के बारे में। देखो आपको बता दूं कि जो रेणुका जी जो डैम प्रोजेक्ट है यह एक तरह का बहुउद्देश्य परियोजना है, और इसमें तीन छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, जो एक तो बनाया जाएगा यमुना रिवर पे, और दो बनाए जाएंगे यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो है गिरी रिवर और एक है टोंस रिवर। तो यह ध्यान रखें टोटल हो गए तीन प्रोजेक्ट हैं। अब ये प्रोजेक्ट जो रेणुका जी डैम है ये बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, और इससे जो बेनिफिट होगा वो होगा 6 स्टेट को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, उत्तराखंड को, दिल्ली को, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, यह हम ऐसे बोल सकते हैं 5 स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी इस तरीके से, या नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में। और इसमें लगभग 40 मेगावाट बिजली है वो भी प्रोड्यूस की जाएगी, और वो प्रोड्यूस की जाएगी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये छोटे से इसके बेसिक डिटेल होगी। अब इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि तीन प्रोजेक्ट हैं, एक तो हो गया यमुना रिवर खुद पे, एक हो गया गिरी रिवर पे जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और तीसरा हो गया टोंस रिवर जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो जो गिरी रिवर पे जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा वो यहाँ पे है लखवार, उसका नाम रखा गया है लखवार प्रोजेक्ट, और जो टोंस रिवर पे बनाया जाएगा उसका नाम है किसाऊ, और जो रेणुका जी डैम है वो बनाया जाएगा यमुना रिवर पे। तो ये तीन फैक्ट हैं जो हमें ध्यान में रखने कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो बनाए जा रहे हैं, यूपीएससी इसके बारे में पूछ हो सकती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखो इससे काफी सारे कैनाल भी निकाले जाएंगी, पीने का पानी भी उपलब्ध होगा दिल्ली को, इसके साथ राजस्थान को, हरियाणा को, ये वगैरह वगैरह जो बेसिक डिटेल्स हैं, तो वो कुछ इतनी काम की नहीं है, बस मेन जो डिटेल थी वो हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस है वो कर ली है। अब जो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आर्टिकल था वो है वेटनर्स डे के बारे में। देखो वेटनर्स डे का मतलब क्या होता है, वेटनर्स का मतलब मैं आपको बताऊं कि जो हम एक तरीके से काफी एक्सपीरियंस या उन्होंने देश की आजादी में काफी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, उनके लिए इस वर्ड का यूज है वो नॉर्मली होता है। तो देखो पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद आपको पता है कि आप जैसे कि इंडिया में काम बनाया, सबसे पहले क्या बनाया गया था वर्ल्ड वॉर में जो लोग शहीद हुए थे उनके याद में इंडिया गेट बनाया गया था। तो उसी तर्ज पे हमारे देश में वेटनर्स डे वो आयोजित हुआ था 2015 से, हर साल 14 जनवरी को वेटनर्स डे वो आयोजित किया जाता है, और जो इंडिया की आर्म फोर्स है वो इसको सेलिब्रेट कर रही है 2015 से, वैसे ही स्टार्ट हुआ है, बाकी काफी पहले से ही इसको अलग तरीके से स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग में जब इसको शुरुआत की गई थी इस वेटनर्स डे की, वो की गई थी आर्मी डे के तौर पर, इसके बाद में धीरे धीरे इसको नाम है वो चेंज कर दिया गया। अब देखो हमारे देश की सेवा जो में जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में वेटनर्स डे वो आयोजित किया जाता है, मतलब जिनका अद्वितीय योगदान रहा हमारे देश की आज़ादी में, या उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था, उन्होंने वीरता का परिचय दिया, तो उनको वीरता को दर्शाने के लिए एक दिन उनको दिया जाता है,
और वो हमारे देश में जो भी सेवा में आर्मी सोल्जर शहीद हुए थे उनको आर्मिस्ट डे के तौर पर मनाया जाता, और 2015 में इस आर्मिस्ट डे का नाम चेंज करके वेटनेस डे रख दिया गया। तो यूपीएससी वेटनेस डे के बारे में इतना पूछ सकते कि किससे रिलेटेड वगैरह, तो हमें ध्यान में रखना की है किससे रिलेटेड। तीसरा जो छोटा सा आर्टिकल है, जैसा वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया कि सेंट्रल एशिया, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो डायलॉग है वो उज्बेकिस्तान में भी आयोजित हुआ है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और वहां पे भी हम कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है वो है पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में कि ये कहाँ पे कौन सी रिवर पे बना हुआ है। ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और गंगा। तो देखो इस क्वेश्चन को आई होप कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजीली कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है कि 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स है उसकी सहायता से राज्यों की स्कूली शिक्षा प्रणाली में जो कमियां हैं या जो कमजोरियां हैं उनका आंकलन किया जाएगा। दूसरा है यहाँ पे स्टेटमेंट कि रिसेंटली केंद्रीय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है उसने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु से लॉन्च है वो किया है। तो देखो मैं आपको बताऊंगा यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इस न्यूज ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस किया है। 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा लाया गया है ताकि जो स्टेट के अंदर जो एजुकेशन की क्वालिटी है इसको भाई सुधारा जा सके, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में एजुकेशन की क्वालिटी को चेक करने के लिए कोई ना तो ढंग से पैरामीटर वगैरह है, तो उसी के लिए 70 पॉइंट तैयार किया गया है, 70 पॉइंट जिनके आधार पर इंडेक्स तैयार किया गया, मतलब 70 पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर इंडेक्स तैयार किया गया, और उस इंडेक्स से पता चलेगा कि भाई हालत कैसी खराब है, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है और हमें क्या क्या स्टेप उठाने हैं। तो यह ध्यान रखना है हमें कि ये किस किस लिए स्टार्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है रायसीना डायलॉग के बारे में। तीन स्टेटमेंट आपको दिया गया है, आपको बताना कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट यह है कि रायसीना डायलॉग का जो मुख्य उद्देश्य है वो एशियाई एकीकरण के साथ साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि यह भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इस सम्मेलन में अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार के मुद्दे को लेकर हिंद प्रशांत महासागर के बदलते माहौल और यूरोपियन संघ में चल रही उथल पुथल के हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो देखो मैं आपको बताऊं तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। रायसीना डायलॉग है उसका मेन उद्देश्य यही है कि एशिया को यूनिफाइड या एशिया को एकीकृत और कहा जाए यूनिटी में, इसके साथ ही वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज हैं उसके साथ एशिया के रिलेशनशिप उनको काफी स्ट्रॉन्ग है और जो भी मौके मिले उनके हमें तलाश करके उनको पूरा कवर करना है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हो गए या जियोपॉलिटिकल जो मुद्दे हो गए या फिर हम बात करें यहाँ पे जो जियो इकोनॉमिक्स मुद्दे हो गए उन मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन है वो की जाएगी, और यह वार्षिक सम्मेलन मतलब यह इस सम्मेलन ईयरली होता है यह समिट, यह भी ध्यान रखना है, और यह आयोजित किया जाता है इंडिया के विदेश मंत्रालय और इंडिया का जो ये आपको पता है थिंक टैंक है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, तो इन दोनों के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाते हैं। देखो रायसीना की पहाड़ी आपको पता है कहाँ है, राष्ट्रपति का जो भवन बना हुआ है वो बना हुआ है रायसीना की पहाड़ियों पे ही, और इसीलिए इस डायलॉग का नाम है वो रायसीना डायलॉग रह गया है कि दिल्ली में आयोजित है वो किया जाता है। और जो इस बार आयोजित किया जा रहा है रायसीना डायलॉग 2019 में, इसका जो मेन मुद्दा या जो फोकस है वो रहेगा इस बार कि भाई इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर जो भी माहौल गड़बड़ा रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में वो, इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन के बीच में जो भी मतलब खींचातानी चल रही है उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे सही है, तो इसको भी हमने यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के बारे में। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसके द्वारा रिलीज की जाती है, इसके बारे में अभी हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कशन की थी। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, आपको डिस्कशन कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।